गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम ऑन नॉलेज नीर चैनल फ्रेंड्स हियर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन फिशन नाउ इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस बडिंग फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब्ड हियर बडिंग यहाँ पर सबसे पहले हम बडिंग को डिस्क्राइब करेंगे सी द फिगर इन योर एन सी आर टी बुक सी द फिगर इन योर एन सी आर टी बुक वन पॉइंट टू बडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल we define budding here we will define budding what is budding budding in budding phenomenon budding is a type of asexual reproduction during which a small protuberances or bud-like structures are developed over the surface of parent cell and after some time these buds detach from the parental cells act and new organisms. That phenomena are known as budding. See in this figure. This is the parental cells. After some time, their cytoplasmic divisions of the parental cells, a small bud-like structures, are, arises over the external surface of parents after some time parental nucleus divide into two by mitotic division and these two nucleus one is migrate into the bud and second one is stagnant in parent after some time a septum is formed between parent and birds these bird detach from the parental cell walls and act as a new organisms jaisa ki aap dekh rahe hain ki ye ek parent cell hai parent cell mein buds ka formation hua to question uthta hai buds ka formation hua kaise kyunki parental cells के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो divide करने लगते हैं तेजी से cytoplasmic division होने लगता है जिसके कारण एक बर्ड उभार जैसा हो जाता है उसके बाहरी सरफेस पर ठीक है उसके बाद उसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड कर जाता है माइटाटिकली और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं एक न्यूक्लियस बर्ड में चला जाता है एक न्यूक्लियस स्टेगेंट रह जाता है उसके पेरेंट में ठीक है और बाद में लास्ट में जो होता है सेप्टम का फार्मेशन हो जाता है और सेप्टम का फार्मेशन जैसे ही होता है ये डिटैच होकर टूट जो होता है अलग हो जाता है पेरेंट सेल से और एक नए ऑर्गेनिजम का ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगता है इसे इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बडिंग तो हम बडिंग के बडिंग के टाइप्स कितने होते हैं बडिंग का दो टाइप्स होता है फ्रेंड फ्रेंड्स बडिंग के दो टाइप्स होते हैं टाइप फर्स्ट एक्सटर्नल बडिंग टाइप सेकेंड इंटरनल बडिंग टाइप फर्स्ट एक्सटर्नल बडिंग के एग्जाम्पल जो होते हैं वो है ईस्ट और हाइड्रा जैसा कि मैंने आपको फिगर्स में दिखाया सीधा फिगर वन पॉइंट सीधा फिगर वन पॉइंट टू दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बर्डिंग दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द एग्जाम्पल एक्सटर्नल सर्फेस पर बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं व्हाट इज द डिफिनीन ऑफ एक्सटर्नल बडिंग वेन द बर्ड्स एराइजेज एक्सटर्नली ओवर द सर्फेस ऑफ their parents that are known as the external budding ye to east ka example hai aur aap ncert ke book mein hi hydra ka bhi example diya gaya hai wo bhi hydra ka example kya hai this is the example in plant external budding का जो example है वो ये plant के case में है जबकि external budding in animals वो उसका example कौन सा है वो आपका है हाइड्रा का सी द फिगर इन यूर एंस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बर्डिंग इन केस ऑफ एनिमल दिस इज दाइड्रा यू नोट एक्सटर्नली बर्ड्स आर एराइज ओवर द सर्फेसिज ऑफ द हाइड्रा बॉडीज ये बर्ड जो है वो हाइड्रा बॉडी के एक्सटर्नल सर्फेस पर एराइज हो रहा है इसलिए ये भी ये भी एग्जाम्पल जो है वह एक्सटर्नल बर्डिंग का है बट ये एक्सटर्नल बर्डिंग किस में हो रहा है इज अ एनिमल हाइड्रा क्या है वो एक एनिमल है और ईस्ट क्या है एक प्लांट है नाउ द इंटरनल बर्डिंग इंटरनल बर्डिंग का एग्जांपल क्या है इंटरनल बर्डिंग का एग्जांपल जो है वो स्पंज है स्पंज जो कि जम्यूल का फार्मेशन करता है जम्यूल हाउ हाउ द जिम्यूल्स इज अ नंबर ऑफ आर्चियोसाइड सेल्स विच आर प्रजेंट इन दियर आर्क्यो प्लाज्म एंड नाउ दीज आर कवर्ड विद देल्प ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट कंटेन द नंबर्स ऑफ कैलकेरियस स्पाइन ये कैलकेरियस स्पाइन है ये आर्क्योरसाइट सेल्स है आर्क्योरसाइट सेल्स के चारों ओर प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाता है आर्क्यो प्लाज में इस्पन्ज के आर्क्यू प्लाज्म में ये इंटरनली जो होता है एराइजेड होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इंटरनल बडिंग कहते हैं बॉडी के अंदर अगर से एराइज हो तो उसको इंटरनल बडिंग अगर बॉडी के बाहर सरफेस पर एराइज हो तो उसको एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं फ्रेंड्स नाउ द वी विल डिस्क्राइब द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द Fragmentation. What is fragmentation, friends? Fragmentation is a process. Fragmentation is a type of asexual reproduction during which a filamentous algae. You have already studied the filamentous algae. This is the Spirogyra. That the spiral chloroplasts, Spirogyra. That the filamentous algae that filamentous algae is spontaneously or accidentally fragmented into two parts into two parts. This is the fragment two fragments divide into two fragments by accidentally or spontaneously. Each fragments each fragments form a new are develop into a new plants. In this way, this is the इस्पैरोरा एक्सीडेंटली या इस्पॉन्टेनियसली जो होते हैं उसके दो फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं और टूट कर जैसे ही दोनों भाग टूटते हैं वो टूटे हुए भाग डेवलप करके एक नए प्लांट्स की तरफ एक्ट करने लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं तो ये तो प्लांट में एग्जाम्पल है ये एग्ज़ाम्पल जो है दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ प्लांट प्लांट में भी फ्रेगमेंटेशन होता है ठीक है ये प्लांट में फ्रेगमेंटेशन का है लेकिन एनिमल में फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल जो होता है वो मिलता है आपके इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में ठीक है इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में जो होते हैं उसमें इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स में जैसे कि आप जानते हैं स्टारफिश स्टारफिश में आप जो होते हैं वहाँ पर अगर कोई एक छोटा सा पार्ट उनका टूटकर डिवाइडेड हो जाता है यानी अलग हो जाता है तो वो भी जो होते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं अब तो वहां पर फ्रेगमेंटेशन उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन जनरली जो होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को पैटी बोलते हैं क्या बोलते हैं फिसीपैटी क्या बोलते हैं फिसीपैटी बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स नाउ द नेक्स्ट Types of reproduction. Is. Now the next type of asexual reproduction is regeneration. What is regeneration? You know about that? Regeneration. First of all, we define the regeneration. Regeneration may be defined as the growing again of a part or organ lost by injury. Friends here you see the figures of planaria this is the planaria if you cut the planaria into different parts now that each part develops into a new organisms into a new organisms these parts regenerated here, the tail portion. Now, that the regenerated portion is their head portion. Now, here, the head portion, their regenerated portion is the tail portions. This process is known as regeneration. This is the best example of regeneration in planaria. Now, the next type of asexual reproduction is now the next. Types of asexual reproduction is spore formation, how the spores are developed. That you know, see the figures in your NCRT book. See the figure 1.3a in your NCRT book. This is the spore. This spore is known as Jewish spore. First of all, वी डिफाइन द स्पोर वाट इज स्पोर इस्पोर इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जनरली स्पोर क्या होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं इट मे भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर ये एक कोश की भी हो सकते हैं और बहु कोश की भी हो सकते हैं एंड प्रोड्यूस बाई है और डिप्लाइड जनरेसन स्पोर प्रोडक्शन इज ए फेज इन अ लाइफ साइकिल इंसर्टेड बिटवीन टू सेक्सुअल फेजेज इफ प्रजेंट जनरली जो होते हैं दो सेक्सुअल फेजेस में अगर दो सेक्सुअल फेजेस हैं तो उसमें एक जो होता है फेज के बीच में दोनों सेक्सुअल फेजेस के बीच में एक स्पोरिक स्पोरोफाइटिक फेज होता है यानी स्पोर फार्मेशन वाले फेज होते हैं दिस इज द डिफिनीसन ऑफ स्पोर्ट्स सो दैट फ्रेंड्स नाउ द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट स्पोर्ट आर डेवलप हाउ द स्पोर्ट्स आर डेवलप बाई टू मैथड फर्स्ट वन इज द एंडोजीनस स्पोर एंड सेकेंड वन इज द एक्सोजीनस स्पोर एंडोजीनस स्पोर्ट एंडोजीनस स्पोर्ट्स क्या होते हैं तो एंडोजीनस स्पोर्ट्स जनरली जो होते हैं फ्रेंड्स वो पेरेंट्स जो सेल्स होते हैं दिस इज द पेरेंट सेल्स सी द फिगर दिस इज द पेरेंट सेल्स विदिन द पेरेंट सेल्स आर नंबर ऑफ स्पोर्ट आर डेवलप दर नोन एज द एंडस स्पोर ठीक है ऐसे स्पोर को क्या कहते हैं एंडोजीनस जीनस स्पोर्ट्स बोलते हैं जो बॉडी के अंदर पेरेंट सेल के अंदर ही क्या होता है डेवलप्स होते हैं ये स्पोर्ट जैसा कि आप ये स्पोर्ट्स देख रहे हैं इस स्पोर्ट्स के पास दो फ्लैजला है ठीक है यहां पर वन टू ये दो फ्लैजला है तो ये स्पोर्स जो होते हैं फ्लैजलेटेड स्पोर को क्या बोलते हैं जू स्पोर फ्लैजलेटेड स्पोर को क्या बोलते हैं जू स्पोर यहां पर आप जू स्पोर फ्लैजलेटेड स्पोर को जू स्पोर बोलते हैं अगर यही फ्लैजला नहीं होता तो ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं एपलानो स्पोर बोलते हैं ठीक है फ्रेंड तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनस स्पोर्स। सी द फिगर इन योर एन सी आर टी बुक्स एक्सोजीनस स्पोर एक्सोजीनस स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक कोनीडिया है पेंसिलियम पेंसिलियम प्लांट है ठीक है पेंसिलियम पेंसिलियम इज क्लासिफाई अंडर द फंजाई फंगल ग्रुप के अंडर में क्लासिफाई किया जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्पोर्स जो हो रहे हैं ये पेरेंट बॉडी है पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है पेरेंट बॉडी के बाहर स्पोर्स जो हो रहे हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ए चेन ऑफ स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स ये क्या कहलाता है ए चेन ऑफ कोनीडिया बोलते हैं तो ऐसे स्पोर्स जो होते हैं जो पेरेंट सेल्स के बाहर डेवलप होते हैं ऐसे स्पोर्ट्स को बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर्ट्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोजीनस स्पोर्ट दिस इज द कोनीडिया इफ दैट कॉनिडिया इज डिटैच फ्राम दिज कनीडियल चेन अगर ये क्नीडिया जो होता है वो डिटैच होकर नीचे की तरफ गिर जाता है सपोज करो ये क्नीडिया नीचे की तरफ फॉल डाउन हो गया तो फॉल डाउन हो जाएगा तो ये जो होता है क्वनीडिया अल्टीमेटली ये क्वनीडिया जो है वो हाइफी प्रोड्यूस करके जो होता है इसी तरीके से हाइफी प्रोड्यूस करके एक नए थैलस का फार्मेशन कर देगा नाउ इन दिस वे हियर वी विल स्टडी वी हैव स्टडीज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टडी कर क्या क्या कर लिया है सबसे पहले हमने स्टडी किया था फीसन दूसरा था आपका आप बडिंग तीसरा था फ्रेगमेंटेशन चौथा था रीजेनरेशन और पांचवा था स्पोर फार्मेशन इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो वी विल डिस्क्राइब स्पेशल टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच आर जनरली प्रेजेंट इन अ केस ऑफ प्लांट्स दैट्स आर नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं ठीक है फ्रेंड तो वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आई होप ये सारे रिप्रोडक्शन्स रिप्रोडक्शन्स के टाइप्स आपको लर्न होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए जिससे मैं आसानी से जो है आपको लाइव पढ़ा सकूँ थैंक यू हैव नाइस डे